अगर फीस नहीं दे सकता तो ये स्कूल में क्यों पढ़ रहा है? सरकारी स्कूल में क्यों नहीं चला जाता? स्कूल में भी ना कैसे कैसे भिखारियों के बच्चों का एडमिशन हो जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मेरे पापा कोशिश कर रहे हैं फीस भरने की, आप भी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कीजिए ना। मैं क्यों रिक्वेस्ट करूँ प्रिंसिपल से? देख एक बात याद रखना, अगर दो दिन में फीस लेकर आया तो ठीक है, वरना स्कूल में कदम मत रखना, चल निकल यहाँ से। जिंदगी का सफर है ये कैसा, जग से हारा नहीं मैं। ओए भिखारी अंदर का गुस्से जा रहा है। मैम मुझे भी साइंस के कुछ टॉपिक्स में डाउट्स है, समझा दो ना। ये क्लास सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के लिए है जो एडवांस में फीस भरते और टॉप करते हैं। मैडम लेकिन मैं भी तो क्लास का टॉपर हूँ। अबे टॉपर है तो क्या हुआ, मैडम तेरी आरती उतारेगी क्या? फीस भरने की तो औकात नहीं और आ जाते एक्स्ट्रा क्लास करने के लिए। अभी खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, चल निकल यहाँ से। और अभी बस स्कूल तभी आना जब फीस भरे, चल। अच्छा तो तुम आ गए, कितने लापरवाह बाप हो तुम। प्रियांशु के स्कूल की फीस क्यों नहीं भरी अभी तक? मैडम दो महीने से हमको मजदूरी की तनख्वाह नहीं मिली है, लेकिन हम फीस जरूर भर देंगे। हाथ जोड़ के विनती करते हैं मैम साहब, हमारे बेटे को क्लास में बैठने दो। ओ तो तुम मजदूर हो, अगर पैसों की इतनी दिक्कत हो रही है तो अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। मैम साहब हम गरीब जरूर है लेकिन हमारे बेटे को बड़ा आदमी बनते हुए देखना चाहते हैं। अपनी बकवास बंद करो, और वैसे भी ये पढ़ने के कौन सा डॉक्टर बन जाएगा? कल तक फीस लेकर आया तो ठीक है, वरना इसका एडमिशन कैंसिल करवा दूंगी। दोनों निकलो यहाँ से। बच्चों ये प्रियांशु आजकल स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, इतनी सारी एब्सेंट क्यों है उसकी? सर आपको पता नहीं है उसकी स्कूल की फीस बाकी थी इसलिए मैम ने उसे स्कूल से निकाल दिया। और सर उसकी फीस 4 महीने से बाकी थी, 4 महीने से। क्या इतना सब हो गया और किसी ने मुझे बताया तक नहीं? फिर से आ गया, तुझे समझ में नहीं आता है, तुझे स्कूल से निकाल दिया गया है, निकल यहाँ से। ये क्या मतलब है मैडम, स्टूडेंट के साथ तो ऐसे बिहेव करता है, आपको शर्म नहीं आती? तुषार सर मुझे अच्छी तरीके से पता है कि इन जैसे भिखारियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। स्कूल की फीस तो भरी नहीं जाती है, बस आ जाते मुंह उठा के गरीब कही के। इसके फीस के बारे में बात मत कीजिए, मैंने ऑलरेडी इसकी फीस भर दी है, आज से इसे स्कूल में पढ़ेगा। आपने इसकी फीस भरी लेकिन क्यों? क्योंकि इतना टैलेंटेड बच्चा सिर्फ फीस ना भरने के कारण घर बैठे, ये मैं नहीं देख सकता। और वैसे भी बच्चा चाहे अमीर हो या गरीब, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, शिक्षा हर बच्चे का हक है। मैम एक टीचर में इतनी ताकत होती है कि वो अपने स्टूडेंट को नॉलेज देके इस काबिल बनाए कि वो देश और दुनिया में हमारा नाम रोशन कर सके, तो अपनी ताकत को समझिए। अगर फीस नहीं दे सकता तो ये स्कूल में क्यों पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं चला जाता? सर आप मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इस गरीब बच्चे की सिचुएशन समझनी चाहिए थी, लेकिन आज के बाद मैं सारे बच्चों की हालत समझूंगी और मैं प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे बच्चों की फ़ीस कम की जाए।